बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मैं इस्माइल बाटली वाला आज जो बात पेश कर रहा हूँ वो है देश भर के शायर और कवि के नाम संदेश। दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप लोग को मिलती रहे। शायर और कवि साथियों, दुनिया में जब जब भी क्रांति और इनकलाब आया है उसमें आप लोग का बड़ा योगदान रहा है और भारत देश की आज़ादी में आप लोग का जो योगदान रहा है उसको देश के लोग याद रखेंगे। देश फिर से आप लोग की राह देख रहा है क्योंकि देश फिर से अंधेरे चौराहे पर खड़ा है, उसको रोशनी की ज़रूरत है। इस वक्त खुदगर्ज राजनीति करने वाले लोग, खुदगर्ज पूंजीवादी लोग, खुदगर्ज अधर्मवादी लोग अंधविश्वास अंधश्रद्धा फैलाकर अपना मकसद पूरा करने वाले लोग इंसानी जज्बात से खेल रहे हैं। आप लोग समाज को दिशा देने में माहिर होते हैं और समाज को बनाने में आप लोग की बड़ी भूमिका होती है। शायर और कवि साथियों, इस वक्त देश गृह युद्ध और बंटवारे की तरफ बढ़ रहा है, इसलिए देश आप लोग का सहयोग चाहता है क्योंकि देश की आज़ादी में आप लोग की बड़ी भूमिका रही है। आप लोग मार्गदर्शक हैं, आप लोग गूंगे बहरों की जुबान होते हैं, आप लोग के अल्फाज की रफ्तार हमारे मिसाइल से भी तेज होती है, हमारे भाषण और तकरीरों से भी ज़्यादा असरदार होते हैं। आवाम को जगाने में आप लोग की क्षमता बहुत है क्योंकि जो बात हम लोग एक किताब में नहीं लिख सकते हैं वो आप लोग दो लाइन में कह जाते हैं। आप लोग के पास जो अल्फाजों का ज़खीरा होता है उतना ज़खीरा हमारी डिक्शनरी में भी नहीं होता है, इसलिए जो हौसला हम पैदा नहीं कर पाते हैं वो आप लोग बड़ी आसानी से कर ले जाते हैं। जो ललकार और तड़प आप लोगों के अंदाज़े बयान में है वो हमारी तकरीर और भाषण में नहीं होता है क्योंकि आप लोग बहुत ही दूरंदेश होते हैं। आप लोग क्रांतिकारी और इनकलाबी होते हैं, आप लोग चाहो तो समाज को बेहतर आकार दे सकते हो, आप लोग साज भी हो, आप लोग आवाज़ भी हो, आप लोग सामाजिक शिल्पकार भी हो, मगर आप लोग को समाज में जो मुकाम मिलना चाहिए था वो मुकाम नहीं मिल सका है। उसके पीछे अधर्म के झूठे ठेकेदार हैं, उन्होंने सिर्फ आप लोगों को ही नहीं बल्कि हर इल्म रखने वाले को उनका मुकाम नहीं मिलने दिया है। शायर और कवि साथियों, देश के इत्तेहाद को खतरा है, देश के संविधान को खतरा है, देश की आज़ादी को खतरा है, देश के बॉर्डर को खतरा है और देश की गंगा जमुनी तहजीब को खतरा है। शायर और कवि साथियों, फिर से कहता हूँ कि दुनिया में जब जब क्रांति और इनकलाब आया है उसमें आप लोग का बड़ा योगदान रहा है और भारत देश फिर से आपकी राह देख रहा है। महात्मा बुद्ध के विचार, श्री कृष्ण के विचार, श्री रामचंद्र जी के आदर्श, श्री महावीर के विचार, श्री गुरु नानक जी के विचार, हजरत ईसा के विचार और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचार हमारे देश की पूंजी है, मगर इस पूंजी को बर्बाद किया जा रहा है, इन लोगों के धर्म को मिटाया जा रहा है और उसकी जगह कौमियत यानी सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है जो देश की और इंसानियत के और मानवता के लिए घातक है। महात्मा बुद्ध के विचार आप लोग को पुकार रहे हैं, श्री कृष्ण के विचार आप लोग के को पुकार रहे हैं, श्री रामचंद्र जी के आदर्श आप लोग को पुकार रहे हैं, श्री महावीर के विचार आप लोग को पुकार रहे हैं, श्री गुरु नानक जी के विचार आप लोग को पुकार रहे हैं, हजरत ईसा के विचार आप लोग को पुकार रहे हैं, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विचार आप लोग को पुकार रहे हैं। इंसान के जज्बात ही
उसकी पहचान होते हैं, इंसान के जज्बात ही उसको संस्कारी बनाते हैं, उनके जज्बात ही उनको नेक इंसान बनाते हैं। आप लोग इंसानी जज्बात को सही दिशा दे सकते हो, इसलिए आप लोग को आगे आना होगा और देश को आपके योगदान देना होगा। देश आपका इंतजार कर रहा है, आपके योगदान का इंतजार कर रहा है। जय हिंद, जय भारत।